हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एंथेरियम का पौधा घर पे कैसे उगा सकते हैं तथा इसके लिए आपको किस प्रकार की मिट्टी तथा खाद का प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप एंथेरियम के पौधे को अपने घर के गार्डन में लगाना चाहते हैं तो आपको इसे लगाने के लिए आवश्यक मिट्टी, तापमान, पानी की मात्रा और जैविक खाद या उर्वरक के बारे में पता होना चाहिए। गमले में एंथेरियम प्लांट कैसे लगाएँ। एंथेरियम का पौधा लगाने के लिए बड़े गमले या ग्रो बैग का उपयोग कर सकते हैं। गमले के 1/3 भाग को पॉटिंग मिश्रण से भरें और पौधे को इसके ऊपर रखें। पौधा लगाने के बाद गमले के बाकी हिस्से को भी मिट्टी से भर दें। बता दें कि आमतौर पर एंथेरियम प्लांट की जड़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं और इस समय आप पौधे को किसी भी बड़े गमले में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। एंथेरियम प्लांट 24 से 32 डिग्री के बीच वाले तापमान में तेज़ी से ग्रो करते हैं, इसलिए आप इसे किसी गर्म स्थान पर अप्रत्यक्ष सूर्य की रोशनी में रख सकते हैं। वैसे तो गर्म वातावरण इस पौधे के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर तापमान बहुत ज़्यादा है तो इस पौधे को आप अपने घर के अंदर भी रख सकते हैं। एंथेरियम प्लांट को सीधी तेज़ धूप से बचाएं, क्योंकि ऐसे में पौधा जल सकता है। फूल की अच्छी ग्रोथ के लिए पौधे को अच्छी रोशनी वाले स्थान पर रखें। पौधे लगे मिट्टी को नम रखने के लिए पानी देते रहें, लेकिन मिट्टी को बहुत ज़्यादा गीला न करें। गर्मी के दिनों में आप इन्हें 2 से 3 दिन में पानी अवश्य दें। राजहंस के पौधे को जब आप लगाते हैं तो इसे शुरुआत में कुछ महीनों तक किसी भी उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आप इसकी अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो इसे 3:1:2 के अनुपात में NPK उर्वरक दे सकते हैं। एंथेरियम पौधे उगाने के लिए मिट्टी। एंथेरियम के पौधे के लिए ढीली पोटिंग मिट्टी का इस्तेमाल करें, जिसमें फर्लाइट, पीट मॉस, पाइन छाल तथा अन्य पोषक तत्व मौजूद हों। एंथेरियम प्लांट लगाने के लिए आवश्यक तापमान। एंथेरियम के पौधे के लिए सूर्य का प्रकाश अच्छा माना जाता है। आप इस पौधे को बहुत तेज़ धूप पड़ने पर घर के अंदर रख सकते हैं तथा अधिक ठंडी के मौसम में बाहर रखें। अगर इन्हें सही तरह से प्रकाश न मिले तो यह पौधे कम फूल देते हैं और साथ ही इन पौधों की ग्रोथ भी रुक जाती है, अतः एंथेरियम के पौधे के लिए उचित मात्रा में धूप मिलने पर अच्छी तरह से बढ़ते हैं। एंथेरियम का पौधा 15 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान में अच्छी तरह से बढ़ता है, लेकिन तापमान बहुत कम होने पर नुकसान हो सकता है। गमले में एंथेरियम प्लांट उगाने के लिए पानी। एंथेरियम के पौधे को नमी पसंद होती है, इसलिए आप गमले की मिट्टी में नमी बनाए रखें, लेकिन मिट्टी को ज़्यादा गीला या चिपचिपा न करें, क्योंकि अधिक पानी देने से इसकी पत्तियां पीली पड़ सकती हैं और जड़ें सड़ने का खतरा भी रहता है। मिट्टी की ज़रूरत के अनुसार नमी बनाए रखें। आप पौधे को वाटर कैन की मदद से पानी दे सकते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।